मृतकों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश में अभी तक कोरोना के 21,700 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 686 लोगों की इससे जान जा चुकी है। इधर 4,325 मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 5,652 मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 269 लोगों की जान जा चुकी है। इधर दिल्ली में 2,248 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 48 लोगों की जान जा चुकी है। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 5,652 संक्रमित हैं, जबकि 269 लोगों की महाराष्ट्र में कोरोना से मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली में जो आंकड़ा है वो 2,348 बढ़ के अब हो गया है संक्रमित, जिसमें 48 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। इसके साथ ही लगातार हम आपको बता दें कि 21,700 मामले पूरे देश में कोरोना के सामने आए हैं। बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 1900 और मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद सूबे में हर शख्स को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद बिहार में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 162 हो गए। बिहार मुंगेर में आज कोरोना के 4 और नए मामले सामने आए हैं, जबकि रोहतास में 6 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कैमूर में 8 और सिवान में 1 नया मामला सामने आया। इसके बाद कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 162 हो गई। मुंगेर में जो 4 नए केस सामने आए उसमें 3 बुजुर्ग महिलाएं हैं और 1 युवक है। बिहार के 162 मामले में नालंदा के 31, मुंगेर के 31, सिवान के 30, पटना के 16, बेगूसराय के 9, कैमूर के 8, बक्सर के 8, रोहतास के 7, गया के 5, भागलपुर के 5, गोपालगंज के 3, नवादा के 3, जबकि छपरा, लखीसराय, बांका, वैशाली, भोजपुर और मोतिहारी के 1-1 लोग शामिल हैं। बिहार में कोरोना से अभी तक 42 लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। संक्रमितों की तादाद पहुंची 150 के पास। सिवान से ज्यादा केस नालंदा मुंगेर में मिले। 17 जिलों में किलर वायरस की दस्तक। रोहतास के बाद पूर्वी चंपारण बांका में एंट्री। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या अचानक से लगातार बढ़ती जा रही है। वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। नालंदा और मुंगेर में 31-31 कोरोना के केस हो गए हैं। अब तक सिवान बिहार में कोरोना का हॉटस्पॉट था, लेकिन अब इन जिलों में कोरोना के ज्यादा मामले दिख रहे हैं। गुरुवार को कोरोना के जो 5 और पॉजिटिव केस मिले, उनमें से 4 मामले मुंगेर के, जिनमें 3 महिलाएं और एक 30 साल का युवक शामिल है। ये सभी लोग जमालपुर सदर बाजार के रहने वाले हैं। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से कोरोना पॉजिटिव हुए। मुंगेर में कोरोना पॉजिटिव की तादाद 31 में टोटल 27 पॉजिटिव केसेस थे कल तक, लेकिन अभी लेटेस्ट प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 और नए केसेस मुंगेर जमालपुर क्षेत्र से निकले हैं। तो टोटल 31 केसेस यहां पर हो गए हैं और जो 4 नए केसेस निकले हैं उसका हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के लिए हमारी टीम लग गई है। ये सब उसी चेन से सब बने हुए हैं और कॉन्टैक्ट चेन में से ही शामिल हैं। एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, किसके संपर्क में आया था, कैसे आया था, इसके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है। जमालपुर नगर क्षेत्र में सर्वे का काम और रैंडम सैम्पलिंग का काम भी शुरू किया गया है। मेरी अपील है कि आ करके अपने आप से जब वो जाएं तो सदैव उपस्थित हो वहाँ पर, अपना सैम्पलिंग कराएं, अपना स्क्रीनिंग कराएं और उसमें सपोर्ट करें। क्योंकि और ये भी है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों को दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी। इससे पहले बुधवार की रात आई जांच रिपोर्ट, नालंदा के 2 लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। नालंदा में दुबई से लौटे युवक से फैले संक्रमण से 30 लोग संक्रमित हो गए हैं। बुधवार को कोरोना ने 1-1 मरीज के साथ पूर्वी चंपारण और बांका में दस्तक दी। बांका जिले के अमरपुर थाना इलाके के कौशलपुर गांव के एक 45 वर्षीय व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से जिला प्रशासन सख्ते में आ गया। जिला प्रशासन द्वारा मैनमा गाँव से 14 लोग और बेलहर से 1 लोग को क्वारंटीन कर सैंपल लिया गया, जो पटना भेज दिया गया है। 42 के आसपास क्वारंटाइन में रूम में हैं अभी मरीज,
और यहाँ पे हैं, उनको सब सुविधा मिल रही है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। सर वो जो 42 जो रखा गया क्वारंटाइन में, उसे क्या बाकी जिला का या कोई बाहर का भी आदमी सर? हाँ, कुछ कुछ बाहर के हैं, मैक्सिमम बाकी से है। जी, मैक्सिमम बाकी से। राजधानी पटना के राजा बाजार स्थित खचपुरा इलाके में सब्जी बेचने वाली संक्रमित महिला मिलने के बाद इलाके में 8 संक्रमित मरीज मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे खाचपुरा को सील कर दिया और पूरे इलाके के मकानों और दुकानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और उसी के साथ साथ पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। तस्वीर देखे किस तरीके से नगर निगम की जो वाहन है वो पूरे बिल्डिंग, जितने भी मेन मुख्य मार्ग पे जितने भी मकान हैं, दुकान हैं, इन सभी को सैनिटाइज करने की कवायद जो है वो शुरू की गई है, चूँकि संक्रमित मरीजों की जो है संख्या लगातार बढ़ रही है। उधर लखीसराय जिला प्रशासन ने संक्रमण से बचने के लिए पड़ोस के 4 जिलों की सीमाओं को सील कर दिया। सीमावर्ती जिले मुंगेर, पटना, जमुई एवं शेखपुरा के बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। अनावश्यक वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। सभी बॉर्डर पर 24 घंटे पुलिस बल की तैनाती रहेगी ताकि दूसरे जिले से कोई भी लखीसराय जिले में प्रवेश न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसके बावजूद लोग लॉकडाउन को लेकर सजग नहीं हैं। चाहे सब्जी मंडी हो या कहीं और खरीदारी करनी हो, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रख रहे। पुलिस भी ऐसे मामलों में असहाय दिख रही है, तो लॉकडाउन में दिए गए छूट को लेकर सियासत भी हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। लॉकडाउन में क्यों बरत रहे लापरवाही, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रख रहे ख्याल, कैसे जीतेंगे कोरोना के खिलाफ जंग? सोशल डिस्टेंसिंग से कोरोना वायरस के खतरे को कम किया जा सकता है, लेकिन लोग हैं कि मान नहीं रहे हैं। बिहार के कई हिस्सों से लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने की तस्वीर आ रही है। पटना में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद भी लोग लॉकडाउन को लेकर सजग नहीं हैं। ये तस्वीर मीठापुर सब्जी मंडी की है। देखिए कैसे लोग खरीदारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। पुलिस भी ऐसे मामलों में असहाय दिख रही है। लॉकडाउन पार्ट 2 में सरकार ने 20 अप्रैल के बाद जरूरी कामों में थोड़ी ढील क्या बरती। लोग सड़कों पर मस्ती करने से बाज नहीं आ रहे। छपरा में लोग बेवजह का बहाना बनाकर बाइक और अन्य गाड़ियों से मटर गश्ती करते नजर आ रहे हैं। पुलिस भी अब पहले की तरह मुस्तैद नहीं दिख रही, जिस वजह से लॉकडाउन बेअसर दिखने लगा है। गोपालगंज में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों को पुलिस सबक सिखा रही है। सबक भी ऐसा जिससे वो गलती दोबारा करने से पहले कई बार सोचें। दरअसल पुलिस ऐसे लोगों को उठक बैठक के साथ ही सड़क पर ही कसरत करा रही है और उनसे लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करने की हिदायत दे रही है। लॉकडाउन के बीच पटना सहित अन्य इलाकों में ढील देने के सरकार के फैसले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है और ढील देने के फैसले को सरकार का आत्मघाती कदम बताते हुए पटना को पूर्णतः लॉकडाउन करने, लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराने और कुछ दिन जरूरत के सामान लोगों के घर घर तक पहुंचाए जाने की मांग की है। आखिर क्या वजह थी कि आपने छोड़ दी? पटना में जो स्थिति बनती जा रही है, मैं समझता हूं अगर तत्काल नीतीश जी इस छूट पर रोक नहीं लगाए तो पूरी स्थिति भयावह हो जाएगी और सरकार के बस में कुछ नहीं रहेगा। बिहार ही नहीं, पूरे देश पैमाने पर जो कोरोना के जंग में जो वृद्धि हुई है, इसका यह भी एक कारण है कि लॉकडाउन का जो लक्ष्मण रेखा था, उस लक्ष्मण रेखा को कहीं ना कहीं से पार किया है लोगों ने, जिसका परिणाम ये सामने आया है। इसमें सरकार को समीक्षा करना चाहिए कि कैसे इसकी रोकथाम करें और जो ढील दिया है उसमें भी थोड़ा टाइट करें और लॉकडाउन का पालन करवावे। पालन लोग कर भी नहीं रहे। विपक्ष का सहयोगात्मक जब रुख होता है तो
तो सरकार को निश्चित तौर पर बड़े फैसले लेने में सहूलियत होती है और इसीलिए इस तरह के सुझाव इस विभिषिका से निपटने में बेहद उपयोगी सिद्ध हो। सोशल डिस्टेंसिंग से ही कोरोना वायरस के खतरे को कम किया जा सकता है। बिहार के नए जिलों में भी कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, ऐसे में सबको सचेत रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रदूषण की मार से जूझ रही गंगा को लॉकडाउन से संजीवनी मिल गई। लॉकडाउन के कारण देश भर में इंडस्ट्रियल यूनिट बंद है और इसका असर नदियों और पर्यावरण पर देखने को मिल रहा है। गंगा या दूसरी नदियों के प्रदूषण में 24 फीसदी हिस्सा उद्योग से निकलने वाले कचरे और मलबे का है। अब जबकि एक महीने से फैक्ट्रियों में काम नहीं हो रहा है, इस वजह से गंगा सहित दूसरी नदियां भी पहले के मुकाबले साफ हुई हैं। गंगा नदी को मिली संजीवनी, लॉकडाउन में निखर रही है गंगा, कलकल कर बहने लगी है नदी। लॉकडाउन के दौरान भले ही इंसान खुद को घरों में कैद महसूस कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति खुली सांस ले रही है। लॉकडाउन का दूसरा चरण जारी है और इस दौरान पावन गंगा नदी का जल फिर से निर्मल होने लगा है। गंगा इतनी स्वच्छ हो गई है मानो गंगा मैया इस दिन का ही इंतजार कर रही थी। कल कारखानों के बंद होने से उससे निकलने वाले गंदे पानी की मात्रा में काफी कमी आई है। उसका असर गंगा की स्वच्छता पर पड़ा है। लोगों का स्नान बंद है, लाशें नहीं के बराबर जल रही हैं। जहाज का चलना बंद है जिससे पानी स्वच्छ दिख रहा है। देश भर में लॉकडाउन के दौरान जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं वो बंद हैं। यानी औद्योगिक इकाइयों के बंद होने से उससे निकलने वाला कचरा भी गंगा या देश की अन्य नदियों में नहीं पहुंच रहा है। नदियों के लिए काम करने वाले एक्सपर्ट बताते हैं कि गंगा में या नदियों में पॉल्यूशन की एक अहम वजह होती है औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे। अब जबकि लगभग एक महीने से उद्योग से निकलने वाले कचरे गंगा में नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसका सीधा असर गंगा में जो गंगा की जो पवनता है उस पर पड़ा है और गंगा का जो पानी है वो कहीं न कहीं साफ नजर आ रहा है। लॉकडाउन शुरू होने से लेकर अब तक गंगा नदी के पानी में सुधार दिखा है। घाटों के किनारे होने वाली गतिविधियां बंद हैं। कृषि कार्यों में इस वक्त कटाई का सीजन है और पानी की जरूरत नहीं है। लगातार बारिश हुई है और जो भी पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है वो उसके पर्यावरण प्रवाह को बेहतर बना रहा है। गंगा ही नहीं सारी नदियों पर पड़ा है, इसलिए कि जो नदियों के प्रदूषण का जो मामला होता है उसका 74% सीवरेज का होता है, नालों के पानी का होता है, और 24% जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है और 2% जो है पब्लिक के द्वारा होता है। तो 24% जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो औद्योगिक इकाइयों के बंद होने की वजह से जो औद्योगिक कचरे थे वो गंगा में नहीं जा रहे हैं, किसी नदियों में नहीं जा रहे हैं। विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन से महामारी के संक्रमण पर चाहे जितना भी असर पड़ा हो, लेकिन इसका सीधा असर देश के पर्यावरण और खासकर करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक और उत्तर भारत की जीवनदायिनी गंगा पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। पटना से प्रीतम कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में कोरोना से उपजे हालात की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि डोर टू डोर स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ाया जाए। बिहार से बाहर रह रहे छात्रों के लिए भी विशेष पहल की गई है। ऐसे छात्रों की समस्या के समाधान के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 0612229460 जारी किया गया है। ये नंबर 24 घंटे चालू रहेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सामाजिक सुरक्षा के तहत सूबे के सभी 84,76,000 पेंशनधारियों के खाते में 3 महीने की अग्रिम पेंशन की राशि भुगतान कर दी गई है। इसमें राज्य के खजाने से 217 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। जो समीक्षा की गई है उसमें मुख्य रूप से जो एक दो बातें कही गई हैं,
उसमें यह है कि जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग हो रही है उसका दायरा बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, और जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, जो अलग ओपीडी चल रहा है कोरोना के अतिरिक्त, उसकी भी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए निर्देशित किया गया है। लॉकडाउन में जहां पुलिस सख्ती कर लोगों के बीच कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोक रही है, तो अपनी नेक दिली से वो लोगों का दिल भी जीत रही है। बेतिया में पुलिस ने ऐसी पहल की जिससे हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है। किसी भी बच्चे का पहला जन्मदिन फीका न पड़ जाए, पुलिस ने इसका जिम्मा उठाया है। जैसे ही पुलिस को किसी बच्चे के जन्मदिन की जानकारी मिलती है, पुलिस की टीम केक, चॉकलेट और गिफ्ट लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं। पुलिस ने बाकायदा इसके लिए दो नंबर भी जारी किया है जिस पर लोग अपने बच्चे के जन्मदिन की जानकारी दें। ऐसा ही एक बच्चे का जन्मदिन पुलिस ने मनाया तो उसके परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा। बेतिया की एसपी नताशा गुड़िया की इस पहल की हर तरफ सराहना हो रही है। और कैसा लगा आपको? आपने फोन किया था एसपी साहब को और क्या बोली थी कि आएंगे? हाँ, बोली कि ठीक है, हम फोन करते हैं जी। ये बच्चे आपके कौन है? पोता है मेरा। नाम क्या है? नवनीत। और उम्र क्या है? उम्र हो गया इसका एक साल, आज फर्स्ट बर्थडे है। लॉकडाउन के बीच जहानाबाद में हुई मछली पार्टी का मामला खूब सुर्खियों में रहा। ऐसा होता भी क्यों नहीं, आखिरकार मामला रसूखदार लोगों से जुड़ा था। सूबे के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा के स्टाफ पिंटू यादव पर मछली पार्टी देने का आरोप था। जी बिहार झारखंड की टीम ने अब उस रसोइये को ढूंढ निकाला है जिसने पार्टी के दौरान मछली चावल बनाया था। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान हुई फिस पार्टी की खबर सामने आने के बाद जहानाबाद एसडीपीओ प्रभात भूषण श्रीवास्तव, मखदूमपुर के प्रखंड बीडीओ और सीओ समेत 25-30 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। बाद में कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ और मखदूमपुर के बीडीओ सीओ को सस्पेंड कर दिया गया था। अब आपको सैयदपुर गांव के रहने वाले रसोईया शिवन की बात सुनाते हैं, जो ये साफ कह रहे हैं कि उन्होंने पिंटू यादव के कहने पर मछली भात बनाया था। वहाँ जाके मछली धोबल धावल था, हम दिए छान दिए, ग्रेवी लगा दिए और 10 किलो चावल बना दिए। कहाँ बना था मछली? पिंटू जी के घर पर, नेके पर। अच्छा, तो मछली खुद खरीदे थे कि कहीं से लाए थे? ना, वजह तालाब ही ना दुगो। वही तालाब में से मर गई थी। बिहार में नियोजित शिक्षकों की हड़ताल खत्म कराने की कोशिश जारी है। सीएम के निर्देश पर शिक्षकों से बात करने की कोशिश हो रही है। मंत्री जय कुमार सिंह का कहना है कि हड़ताली शिक्षकों के दो गुट होने की वजह से वार्ता में परेशानी हो रही है। हालांकि उन्होंने जल्द ही हड़ताल खत्म होने का भरोसा जताया है। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री को एकदम निर्देश दिए हुए हैं कि आप वार्ता करें, और माननीय मुख्यमंत्री कई बार दूरभाष पर उनकी संघ से बात कर रहे हैं। अभी उन लोगों में आपसी समय जो दो गुट हैं वो नहीं बन पा रहा है, और मंत्री निरंतर उसकी प्रयास कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जो वार्ता चालू हो गई है और उसकी समाधान भी बहुत जल्दी होगी। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी दिहाड़ी मजदूरों को हो रही है। ऐसे में मदद के लिए निजी और सरकारी स्तर पर कई तरह की कोशिशें हो रही हैं। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पटना साहिब में जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री बांटी। लॉकडाउन में कई सारी मुश्किलें हैं, और ख़ास तौर पे जो गरीब तबके हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमाते खाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ऐसे में सरकार की ओर से तो काम किए ही जा रहे हैं, निजी स्तर पर भी लोग अपने अपने स्तर से राहत के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। नंदकिशोर यादव मंत्री की ओर से देखिए, ये जो है राहत का पैकेट, वो अपने स्तर पर इसको तैयार करवा रहे हैं, और इस तरीके से यहाँ पे हर एक दिन तमाम सारी चीज़ें जो है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत है, उसके बड़े पैमाने पर यहाँ पे न सिर्फ पैकिंग हो रही है बल्कि प्रतिदिन इसे बांटा जा रहा है। हमारे पिता श्री नंद किशोर यादव पथ निर्माण मंत्री बिहार सरकार का एक लक्ष्य है कि पटना साहिब में कोई भी गरीब भूखा ना रहे। उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए लॉकडाउन वन में हम लोगों ने तकरीबन 14,000 पैकेट पटना सिटी के विभिन्न वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से वितरित कराया। तो हर एक कोई इस जो मुश्किल घड़ी है उसमें अपने स्तर से हाथ बढ़ा रहा है, और उसी कड़ी में ये कोशिश जो है नंदकिशोर यादव की ओर से अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, और हर एक वार्ड में जाकर
जरूरतमंद लोगों के बीच में इस तरीके से खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। कैमरामैन फिरोज के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। आरजेडी नेता और प्रोफेसर रामानुज ने सरकार से गरीब और जरूरतमंद लोगों पर ध्यान देने की अपील की है। कोरोना से लड़ने के लिए कई तरह के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। आयुष मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में गोल्डन मिल्क और गोल्डन वाटर कोरोना के लिए रामबाण बताया गया है। सीबीटीए संवाददाता रवि त्रिपाठी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक डॉक्टर तनुजा से खास बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए घर बैठे नुस्खा क्या है। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 7 मंत्र बताए। उन 7 मंत्रों में से एक था आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना। हम इस वक्त हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दफ्तर में आए हुए हैं और उनके डायरेक्टर हैं तनुजा जी हमारे साथ हैं, किरणेसारी जी। हम इनसे ही बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या चीज़ है, आखिर प्रधानमंत्री ने क्यों जिक्र किया कि आपको फॉलो करना चाहिए आयुष मंत्रालय के गाइडलाइन को, क्योंकि इम्यून सिस्टम को डेवलप करना है। आपको इम्यून सिस्टम आपका अगर ठीक है तो आपको कोई भी बीमारी चाहे कोरोना ही क्यों ना हो वो आपको टच नहीं करेगा, आपके पास नहीं आएगा। क्या क्या चीज़ें तैयारी कर सकते हैं और घर बैठे एक आम आदमी के लैंग्वेज में आपको ये समझाएंगे कि घर बैठे आप क्या क्या उपचार करें ताकि कोरोना की महामारी से आप बच सकें। तनुजा जी, आप सिंपल आम आदमी की भाषा में समझाइए हमें कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करने से, जो गाइडलाइंस आप लोगों ने दिया है, प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया आपकी सारी चीज़ों को, क्या वो बातें हैं जिससे एक आम आदमी कोरोना की बीमारी से बच सकता है, क्योंकि अभी भी लंबा फेज है, लोगों को डर है अभी भी, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जी? तो आंवला आयुर्वेद में ये कहा है कि जो डेली हर्बल हेल्थ प्रमोटर रोजाना खाने वाली जो 5 चीज़ें कही है कि हर आदमी हर उम्र के लोग इसको रोज लेंगे तो कोई भी बीमारी नहीं होगी, हमारा शरीर का एक प्रिपेयर्डनेस होगा, प्रतिकार क्षमता बढ़ेगी। तो ये आंवले का पौधा है, आंवले का फल लेते हैं, आंवले का फल की ये जो पाउडर है चूर्ण है, तो ये चूर्ण भी हम आंवले का चूर्ण सुबह शाम 1 चम्मच ले सकते हैं। आंवले का रसायन आमलक रसायन नाम के मिल सकता है, लेकिन बहुत आसानी से मिलने वाला है जो च्यवनप्राश, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हमने बनाया है, रिसर्च बन किया है। तो इस च्यवनप्राश को 1 चम्मच या 2 चम्मच सुबह उठ के नाश्ते से पहले अगर ले, उसके आंवला क्यों लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना के बारे में, कोरोना क्यों होता है, क्या होता है, ऐसे कई सारे रिसर्च दुनिया भर से आ रहे हैं, लेकिन एक जो नया खोज निकला है, नया ही जो सामने आया है, तो वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी करता है जिसको हाइपोक्सिया कहते हैं सेल के अंदर। तो आंवला ये चीज़ ऐसी चीज़ है कि वो एंटी ऑक्सीडेंट है, मतलब वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो चीज़ें, उसको वो रोज निकालता है। और एक दिन करने से लाभ होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि रोजाना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, तो रोज जो फ्री रेडिकल्स हुए हैं जो नहीं चाहिए शरीर में उसको निकाल के नया ऊर्जा देना, ऑक्सीजन पहुँचाना, ये काम आंवला करता है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को लॉक कर रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए कोरोना पर फतह पाने की कोशिश हो रही है। घर बैठे हमारे दर्शक भी इस जंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी बिहार झारखंड के कई दर्शकों ने हमें अपने वीडियो भेजे। कोई नाच रहा है तो कोई गा रहा है, कोई किचन में अपने हाथ आजमा रहा है तो कहीं पूरा परिवार घर की साफ सफाई में जुटा है। लॉकडाउन हीरोज के ये संदेश न सिर्फ चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं बल्कि लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। कोरोना से जंग मिलके लड़बै संग। और अब 2 मिनट में देखते हैं प्रदेश की कुछ और खबरें। जेडीयू के अजय आलोक ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। लॉकडाउन में कार्गो प्लेन से दिल्ली से कोलकाता जाने पर सवाल उठाए। जहानाबाद में एक बेटी के पिता लॉकडाउन में बेटी की शादी रुक जाने से इस कदर परेशान हो गया कि उसने खुद को गोली मार ली। बताया जा रहा है कि 19 अप्रैल को बेटी की शादी थी। दानापुर में बेटी की शादी के लिए माता पिता बेहद परेशान हैं।
परिवार वालों ने बेटी की शादी तय कर रखी थी और शादी के कार्ड तक बांट दिए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बेकार हो गया। पटना में झारखंड के 11 मजदूर लॉकडाउन में फंसे होने की वजह से पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े, लेकिन विक्रम में प्रशासन ने उन्हें रोक लिया और स्क्रीनिंग की। फारबिसगंज के अरेहा पंचायत स्थित वार्ड नंबर 2 में अस्पताल ले जाने के लिए साधन नहीं मिलने से एक महादलित परिवार की नवजात बच्ची की मौत हो गई। कटिहार में किसान परिवार को खेतों में गेहूं काटने के लिए जब मजदूर नहीं मिले तो मां बेटे ने मिलकर 2 एकड़ में तैयार गेहूं और मक्के की फसल को खुद ही काट लिया। समस्तीपुर में मुसरी घरारी थाना इलाके के बकरी बुजुर्ग में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसे लेकर पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया। दरभंगा डीएमसीएच में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कार्तिकेय प्रसाद सिंह के पुत्र रोहित रंजन सिंह ने 6ठा झारखंड सिविल सर्विस सेवा में सफलता पाई है। स्वाधीनता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह के 162वें जन्मोत्सव पर छपरा के सैंड आर्टिस्ट अशोक ने बाबू वीर कुंवर सिंह का सैंड आर्ट बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।